श्री अमृतसर साहब तो दूर तकरीबन कोई 7 किलोमीटर की रेंज में पिंड पतापुर, पिंड पतापुर विखे किले वाला दरबार बाबा इमाम शाह जी का सालाना मेला जो कि 671वां मेला पिंड वासियों के सहयोग के नाल अज बड़ी श्रद्धा पूर्वक ढंग के नाल मनाया गया। कोरोना महामारी नूं वेखदिआं होइआं जो कि लॉकडाउन के अंदर ही मेला मनाया जा रहा, आपां वेख रहे हैं इस मेले दीआं झलकियां। बड़ा सोहना ते सुचज्जा दरबार सजाया होया, इतिहास बारे सब तो पहला तो अज के इस इलाका निवासियों के समूह संगतान बाबा जी के मेले की लख लख मुबारकबाद देने जी। सो यो अगे चाचा जी ने कहा है कि मेला बहुत 500-600 वर्षों तो पहला इस पिंड मनाया जा रहा, बजुर्गों का मेला करने सदका हाई साल ही हर धूमधाम के नाल मनाया जाता है समूह संगत इलाके समूह संगतों के नाल। सो इस पिंड तरह ही कि इत्थे पिंड दे विच सब तो पहला ये पिंड नगर वसाया है जिन्हों का मेला अज बाबे इमाम शाह जी का मनाया जा रहा है। इस पिंड दे विच देव वसदा सी, वो किसी भी इस धरती से रहन नहीं दिंदा, इस पिंड दे विच नगर दे विच किसी नूं वसन नहीं सी दिंदा। फिर बाबा जी ने अपनी तुसीं ला लो कि अपनी शक्ति दे नाल उन्होंने उस जिन ते काबू किया, उन्हों अपने काबू करके इस पिंड दे विच नगर वसाया। ये नगर वसन आ जो संगत अज इस दरबार के उत्ते दर्शन मेले कर रही हैं, ये उन्हां दी करनवाजी सदका बाबे इमाम शाह जी का। तो इदा ही धूमधाम के नाल पिंड दे विच आए हर साल 15 हाड़ नूं ये मेला मनाया जाता है। तो रब वर्गे स्रोतों के अगे यो रिक्वेस्ट बेनती है अरदास करता है कि हर साल 15 हाड़ नूं ये मेला मनाया जाता है, तो वध चढ़ के दर्शन मेले करया करो, तो तुसीं भी आओ तो बाबा जी दे जस गाओ। जयकारा बाबा जय मस्तां दी। सर नौजवान पीढ़ी को संदेशा देना चाहोगे? नौजवान पीढ़ी को सर मैं यही संदेशा देना चाहता कि अजकल की नौजवान पीढ़ी जो कि नशियां के दौर वाल जा रही है, बच्चा नशियां दे लागू हो जा रहा है, सरकार को मैं यही अपील करता है कि इसनों रोकन रोकथाम की जाए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जी गांह वाली साड़ी पीढ़ी आ वो इस पर काबू पा सके, नशियां तो दूर हो सके। तो नशियां तो मेरे वीरां भी यो ये जी पिंड फतापुर आ, इतों के सारे नगर वाले रल मिल के असी हर साल की तरह मेला करवाने, ये अज तो 600-700 वर्षा पहलों पुराना दरबार आ बाबे इमाम शाह का। इत्थे किस जमाने दे विच दे पैंदा सी किला है किस बादशाह का, एक दे नूं सरकार ने वस किया तो फिर ये दरबार वसया, तो उन्होंने वादा मुड़ के इस तरह परंपरा चलती आई आ। सरकार बाबा करीम शाह जी होए ने उन्हों का वादा,
ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੀਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਰੱਜੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਯਕੀਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਗੱਦੀ ਮੌਜੂਦ ਬਾਬਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਾਂ ਗਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ 15 ਹਾੜ ਨੂੰ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਗਾਉਂਦੀਆਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਫਰਕ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਪੂਰਨ ਮੇਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਈਆਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅਤੁੱਟ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਫਤਾਹਪੁਰ ਦਰਬਾਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਣ ਤੇ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਇੱਧਰ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਦਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋੜ ਮੁੜਦੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇ ਨਾ ਖਾ ਛੱਡਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਖਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਬੱਚੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਸ਼ਰਧਾ ਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।